आज हम दिखाने वाले हैं मोटोरोला E7 प्लस मोटोरोला E7 प्लस मोबाइल, और इसको हमने फ्लिपकार्ट से खरीदे हैं। लेट्स से अनबॉक्स इट एंड सी हाउ इट इज़ वर्किंग। क्या क्या है इसके अंदर में, बॉक्स के अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन है, फोटो वगैरह कैसे खींचते हैं, परफॉर्मेंस कैसा है। लेट्स स्टार्ट अनबॉक्सिंग। हाँ, ये अनबॉक्स होगा। 3, 2, 1। और ये देखिए, ये अनबॉक्स भी हो गया। वाओ, ये मैजिक बोलते हैं इसको, मैजिक। ओके, देखते हैं इसको बॉक्स में क्या है, पहले देख लेते हैं। हाँ, इसमें बहुत छोटा छोटा लिखा है। ओके, ये एमआरपी वगैरह क्या है, सेंसर वगैरह। देखिए, ये जो फ़ोन है इसमें मोटो E7 प्लस मोटोरोला 48MP का कैमरा है, नाइट विजन है। इसमें सबसे बढ़िया जो चीज़ है, इसका बैटरी देखिए 5000mAh है। तो बैटरी जो है इसमें बहुत दमदार बैटरी है। इसमें ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन का 4GB रैम है और 64GB स्टोरेज है। रोम जो है 64GB है। और इसमें क्या लिखा है, ऐसा कुछ खास नहीं है। इट्स मेड इन इंडिया होपफुली, या गुड़गांव में बना है, दैट्स ऑल। और इधर इसका फीचर्स वगैरह लिखा है, 48MP सेंसर कॉम्बिनेशन, 4 पिक्सल वगैरह जो भी है। हम पहले इसको अनबॉक्स करते हैं और खोल के देखते हैं इसको, पहले कैसे अनबॉक्स करना है। इधर से अनबॉक्स करते हैं तुरंत। तो हमें मिल गया है कहाँ से अनबॉक्सिंग करते हैं। इतनी मेहनत के बाद 2 दिन लग गया। चलिए खोलते हैं, देखिए। ये देखिए फ़ोन, इसमें पैकिंग जो है बहुत ही इकोनॉमिकल पैकिंग है। जस्ट खोलते ही फ़ोन, मुझे नहीं लग, पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है फ़ोन में बहुत डस्ट टाइप का है। पहले खुला हुआ था, क्या है गॉड नोस, बट इसमें थोड़ा मुझे डस्ट लगा। ये देखिए फ़ोन, कलर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कलरफुल है। लेकिन जो आप लोगों को कहना चाहता हूँ, फ़ोन ऐसा ही आया है तो इसमें कोई ऊपर वाला जो प्लास्टिक वगैरह होता है वो भी इसमें था नहीं। और क्या है इसके साथ पता नहीं, हमें कोई रिटर्न प्रोडक्ट नहीं दिया या नहीं। ये हो गया आपका, कुछ नहीं है, जस्ट इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। ये सिम ट्रे का निकालने के लिए जो सिम रिजेक्ट टूल, हाँ, टूल है। और ये आपका चार्जिंग केबल है, टाइप सी टाइप का केबल है। नहीं, टाइप सी नहीं है, ये माइक्रो यूएसबी केबल है। और ये चार्जर है, चार्जर में क्या लिखा है देख लीजिए पहले। चार्जर में ये शायद फास्टिंग चार्जर नहीं है, एसी पावर सप्लाई 0.3 एम्पियर है, तो फास्ट चार्जिंग इसमें नहीं है। तो ये है फ़ोन, बस और कुछ नहीं है। तो ये नॉर्मल है, इसको हम पावर ऑन करते हैं। इससे पहले इसमें देखिए, वो जो ऊपर भी लिखा था वही लिखा है, सेम टू सेम लिखा है। फ़ोन दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये होपफुली ये पावर बटन होगा, वॉल्यूम रॉकर होगा, ये क्या है गॉड नोस। इसको हम ऑन करके देखेंगे, पहले इसको हमको हटाना पड़ेगा। और इसके फिंगरप्रिंट सेंसर में मोटोरोला का ब्रांड है, का लोगो है। ओके, ये हटाते हैं। वाह, इसको पावर ऑन करते हैं। वाओ, लुकिंग गुड, रियली गुड, फर्स्ट टाइम पावर। या बहुत अच्छा डीप ब्लू कलर, होपफुली ये स्टॉक एंड्रॉइड होगा। इसको हम रियल टाइम दिखा रहे हैं कि इसको ऑन होने में, फर्स्ट टाइम ऑन होने में कितना टाइम लगा। वाओ, सो या फिर वही जो आपको सेटअप वगैरह करना है। हमें हेलो भी कह रहा था, ये सब स्किप करते हैं, बाद में देखेंगे। स्कीप स्कीम नेट होगा, यस कंटिन्यू। आई थिंक स्टॉक एंड्रॉइड ही है। इसे बाद में करेंगे अभी। लुकिंग गुड, डिस्प्ले इज अमेजिंग। ये कितना है पिक्सल पर इंच में भी कहीं लिखा होगा। तो लिखा नहीं है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है। इसको ऑन होने देते हैं,
और कुछ है क्या, एक बार देख लेता हूँ इसमें। हाँ ऑन हो गया, एक्सेप्ट कंटिन्यू मोर। चलिए वाह ये है आपका फ़ोन, देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है, अमेजिंग क्वालिटी। देखिए मैं हमने जो पहले बोला था स्टॉक एंड्रॉयड है। ये रियलमी नाजो जैसा ही एंड्रॉइड का वर्जन है। हाँ और इसमें फिर हम सेटिंग में जाके देखते हैं कि इसमें क्या है वो सेटिंग। सेटिंग में देखिए स्टोरेज जो है, सबसे पहले हमको ये दिखा देते हैं, इसके अंदर 64 GB है जिसमें ऑलरेडी 14.9 GB यूज्ड। हाँ तो इसका सेटिंग में पहले फिर एक बार देख लेते हैं। सेटिंग में मैं आपको दिखाया हूँ पहले इसका जो मेमोरी जो था वो कितने का था, और इसके सिवा और क्या क्या है। फ़ोन, वेयर इज़ द फ़ोन, अबाउट द फ़ोन, अबाउट द फ़ोन मोटो E7 Plus, 2 SIM कार्ड, और इसमें सॉफ्ट टच एंड रेटिना, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर का मॉडल क्या है इसमें पता नहीं, कैसे देखते हैं। ये है एंड्रॉयड 10 है। तो यही है, और इसका साउंड क्वालिटी वगैरह, पिक्चर क्वालिटी वगैरह कैसा है इसमें, ये सारे जो आपको दिख रहा है सारे ऐप प्री इंस्टॉल्ड है, हमको इंस्टॉल करने का नहीं चाहिए, सिर्फ आपको अपडेट करना होगा। और ये हो गया आपका वॉल्यूम, आपका पावर बटन। और हमें और पता नहीं चला कि वो ये फर्स्ट वाला। अच्छा ये अच्छा है, वॉइस ये असिस्टेंट। वॉइस असिस्टेंट है। ओके और ये हो गया आपका वॉल्यूम रॉकर, इधर ट्रे है। चलिए इसको ट्रे को ओपन करते हैं। इसमें भी आप देखिए, इसमें भी उसने क्लियरली मेंशन किए हैं कहाँ पर क्या है। पीछे जो तीन कैमरा है, तीन कैमरा में एक है फ्लैश, एक्चुअली कैमरा तीन नहीं है, दो है फ्लैश है, और दोनों एक आपका डेप्थ कैमरा है और एक आपका मेन कैमरा है, दो कैमरा है। और फ्रंट कैमरा जो आपको क्या बोलते हैं, ये इधर ही है जो आपका सेल्फी सेल्फी कैमरा। वाला कैमरा इधर ही है। और इसमें आपको बाकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ऊपर वाला जो गूगल असिस्टेंट बटन, डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट बटन जो है, ये वाला है गूगल असिस्टेंट बटन डेडिकेटेड, और ये है आपका वॉल्यूम रॉकर, ये है पावर बटन। और चलिए सिम कार्ड का ट्रे निकालते हैं, इसमें डेडिकेटेड स्लॉट होना चाहिए, लेट्स सी। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है? नहीं होपफुली शायद से, नहीं ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं है। है, ये हाइब्रिड सिम स्लॉट है, तो आइदर SIM 1, SIM 2 और USB कोई भी एक आपको डालना पड़ेगा। ये मतलब इसमें आपको दो सिम आप यूज़ नहीं कर सकते हो एक साथ, अगर दो सिम यूज करेंगे तो माइक्रो USB कार्ड आप नहीं डाल सकते, ये हाइब्रिड सिम स्लॉट है। बाकी इसका पिक्चर क्वालिटी कैसा है? वो हम देखेंगे हाँ सर, देख लेते हैं। चलिए इसमें क्या क्या मोड है, देखिए स्पॉट कलर, नेवी, नाइट विजन, पैनोरामा, लाइव फिल्टर, बहुत सारे मोड है, स्लो मोशन वगैरह वगैरह। चलिए फोटो में जाते हैं। हाँ ये डिस इन्फेक्टिव स्प्रे है जिससे हमने इसको डिस इसको इन्फेक्टिव किया था। ये बैकअप टू गूगल फोटोज का मैसेज हाँ आता है। तो इसका, इसको हम जूम करके देखते हैं कितना कैसा है जूम वगैरह। देखिए जूम वगैरह तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कैमरा। कोई एकदम क्लियर है। हाँ कैमरा तो मुझे अच्छा ही लगा। ये देखिए इसमें बाय डिफॉल्ट फुल स्क्रीन व्यू भी है, पूरा फुल स्क्रीन व्यू आ रहा है। इसका स्क्रीन साइज आई थिंक 6.67 इंच का है, स्क्रीन भी काफ़ी बड़ा है, दिखने में प्रीमियर लुक तो है नो डाउट। और अब देखते हैं इसका पोर्ट्रेट मोड कैसा है, मतलब ये बैकग्राउंड को ब्लर कर देगा। देखते हैं, लग तो नहीं रहा है कि ये बैकग्राउंड को ब्लर कर रहा है। मे बी इसके लिए कोई मिनिमम डिस्टेंस विस्टेंस होगा शायद। अब
ये करता है। अब देखिए जब आप इसको एकदम पास में लाते हैं तब ये बैकग्राउंड को ब्लर करता है, वरना देखिए जब पीछे लाते हैं वो उठना भी नहीं करता है, करता है पर थोड़ा थोड़ा। अब आपको साइड में दिख रहा होगा कि इसका पिक्चर क्वालिटी कैसा है इस साइड। ओके, पिक्चर क्वालिटी तो मुझे सही लग रहा है, ऐसा कोई इसमें गड़बड़ी तो मुझे नहीं लग रहा है, मुझे तो अच्छा ही लग रहा है फ़ोन। इसका नाइट विजन भी अच्छा है। चलिए लाइट को ऑफ करके देखते हैं। ओके, हमने लाइट्स को ऑफ करके कर लिया है पर फिर भी डे लाइट आ रहा है, हम इसको रात में कैसा है दिखाएंगे, चलिए टेस्ट हाँ, करते मतलब हैं। विदाउट लाइट में भी आप देखिए इसका क्वालिटी अच्छा है, एक बार फोटो खींचते हैं, फोटो खींचने के बाद उसका क्वालिटी कैसा है देखते हैं। इट्स गुड, फाइन, या मतलब इट्स गुड। बहुत ही लो लाइट पे भी इसका फोटो का क्वालिटी इज गुड। इसमें नॉइज़ तो है बट इट इज़ एक्सपेक्टेबल, क्योंकि हमने इतने सारे जूम करने के बाद ही ये नॉइज़ हमको नज़र में आ रहा है, नहीं तो मुझे तो इसका जो आपका कैमरा का क्वालिटी इट्स रियली गुड। और इसमें 8x जूम है। ओके, वाह, सो बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वो पोस्ट नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल करना मत भूलिएगा। बाय।